जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वाला भागिरवर धारी, जय गोपी जन वाला भागिरवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तेरा वन चारी, यमुना तेरा वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वाला भागिरवर धारी, जय गोपी जन वाला भागिरवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तेरा वन चारी, यमुना तेरा वन चारी, जय राधा माधव जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर सेवा सदि गौर भक्तवृंद,
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सेवा सदि गौर भक्तवृंद कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी लोग गाइए जोर से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय सुदर्शना जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय प्रभुपाद 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 जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल Thank you.
जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रज्ञाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्री हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रज्ञाचार्य ब्यूटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। अयोध्यापुरी धाम की जय। द्वारिकापुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय जयकार हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय जयकार हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय जयकार हरे कृष्णा। गुरु और गौरांग की जय जयकार हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम सातवां स्कंद दशम अध्याय और 49 नंबर श्लोक। तो श्लोक आपके सामने है, पहले हम श्लोक का रिसाइट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो अभी श्लोक हम रिसाइट करेंगे। सा वा अयं ब्रह्मा महिद्मृग्या कैवल्य निर्वाण सुखानुभूतिः प्रिये सुरत खलु मातुल्ये आत्मा हरणीयो विधिकृत गुरुश्च सा वा अयं ब्रह्म महिद्मृग्या कैवल्य निर्वाण सुखानुभूतिः प्रिये सुहृत् खलु मातुलेय आत्मा हरणीयो विधिकृत गुरुश्च सा वा अयं ब्रह्म महिद्मृग्या कैवल्य निर्वाण सुखानुभूतिः प्रिया सुहृत् खलु मातुलेय आत्मा हरणीयो विधिकृत गुरुश्च। सावायं
ब्रह्महेदमृग्या केवल निर्वाण सुखानुभूति माताएं सावायं ब्रह्मविज्ञा केवल निर्वाण सुखानुभूति प्रिया सुमृदवाप्लुमातुलेया शब्दार्थ स वह भगवान कृष्ण व भी अयम यह ब्रह्मा निराकार ब्रह्म जो कृष्ण का तेज है महत महापुरुषों के द्वारा विमृग्य खोजा जाकर कैवल्य एकत्व निर्वाण सुख दिव्य सुख का अनुभूति ही व्यवहारिक अनुभव का स्रोत प्रिय अत्याधिक प्रिय सूरत शुभ चिंतक व तुम्हारा खलु निसंदेह मातुलेय मामा का पुत्र आत्मा शरीर तथा आत्मा के ही समान अहरणीय पूज्य भगवान होने से विधिकृत संदेश वाहक की तरह फिर भी वह तुम्हारी सेवा करता है गुरु तुम्हारा परम सलाहकार च भी। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। निराकार ब्रह्मा साक्षात कृष्ण है क्योंकि कृष्ण निराकार ब्रह्म के स्रोत हैं। वे बड़े बड़े साधु पुरुषों द्वारा तलाश किए जाने वाले दिव्य आनंद के उत्स हैं। फिर भी परम पुरुष तुम्हारे सर्वाधिक प्रिय मित्र तथा चिरंतन सुहृद हैं और तुम्हारे मामा के पुत्र के रूप में तुमसे घनिष्ठता संबंधित हैं। निसंदेह वे सदैव तुम्हारे शरीर तथा आत्मा के सदृश हैं। वे पूज्य हैं फिर भी वे तुम्हारे सेवक की तरह और कभी कभी तुम्हारे गुरु की तरह कार्य करते हैं। कृपया साथ में बोलेंगे निराकार ब्रह्मा साक्षात कृष्ण हैं क्योंकि कृष्ण निराकार ब्रह्म के स्रोत हैं। वे बड़े बड़े साधु पुरुषों द्वारा तलाश किए जाने वाले दिव्य आनंद के उत्स हैं। फिर भी परम पुरुष तुम्हारे सर्वाधिक प्रिय मित्र तथा चिरंतन सुहृद हैं और तुम्हारे मामा के पुत्र रूप में तुमसे घनिष्ठता संबंधित हैं। निसंदेह वे सदैव तुम्हारे शरीर तथा आत्मा के सदृश हैं। वे पूज्य हैं फिर भी वे तुम्हारे सेवक की तरह और कभी कभी तुम्हारे गुरु की तरह कार्य करते हैं। तात्पर्य
परम सत्य के विषय में सदा ही मतभेद रहा है। आध्यात्मवादियों का एक वर्ग का मत है कि परम सत्य निराकार है और दूसरा वर्ग उन्हें पुरुष मानता है। भगवद गीता में परम सत्य को परम पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है। निसंदेह भगवद गीता में परम पुरुष भगवान कृष्ण साक्षात उपदेश देते हैं, ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा अहम मत्तः परतरम नान्यत्, निराकार ब्रह्म मेरा आंशिक प्राकट्य है और मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। वहीं कृष्ण भगवान पांडवों के परम मित्र तथा संबंधी की भूमिका निभाते हैं। कभी कभी तो वे धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन तक पांडवों का पत्र ले जाने वाले सेवक की भी भूमिका निभाते हैं। चूंकि कृष्ण पांडवों के शुभचिंतक थे, अतएव उन्होंने अर्जुन का गुरु बनकर गुरु की भूमिका अदा की। अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया था, शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, और कभी कभी कृष्ण उसे प्रताड़ित भी करते थे। उदाहरणार्थ भगवान ने कहा, अशोच्यानां वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, विद्वान जैसे शब्द बोलते हुए तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जो उसके योग्य है ही नहीं। भगवान ने यह भी कहा, कुतस्ताम कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम, हे अर्जुन ये सारी गंदगी तुम में कहाँ से आई। पांडवों तथा कृष्ण के बीच ऐसी घनिष्ठता थी। इसी तरह से भगवान का शुद्ध भक्त सभी प्रकार के संकट में भगवान के साथ रहता है, उसकी जीवन पद्धति कृष्ण ही हैं। यह श्री नारद मुनि का आधिकारिक कथन है। तो हम पहले प्रार्थना करेंगे और फिर आज का जो श्लोक है उस पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान्ते मिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और आज आप सभी को नौका विहार लीला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भगवान का शाम को संध्या के समय उत्सव भी मनाया जाएगा, तो सभी लोग एक्साइटेड हैं। तो क्लास में नींद नहीं आनी चाहिए फिर, है ना, किसी को नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और टॉपिक भी बहुत अच्छा है आज का, है ना, सरेंडर वाला। प्रभु जी ने कल इसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया और थोड़ा सा पिछले का श्लोक लेकर के, और मैं आज का जो श्लोक है उसको भी डिस्कस करूँगा।
तो ये जो श्लोक है, ये जो श्लोक बोल रहे हैं और जो वृतांत सुना रहे हैं, नारद जी सुना रहे हैं, किस समय सुना रहे हैं? महाराज युधिष्ठिर को राजसु यज्ञ के समय ये सुना रहे हैं। ये सारा वृतांत उन्होंने सुनाया और उसके बाद में उन्होंने ये श्लोका बोला। और इस श्लोक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि किस प्रकार से भगवान बताएगी साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म, इनकी कैटेगरी बताई, उसमें इसे कौन क्वालिफाई करते हैं। साकार ब्रह्म भगवान कृष्ण जो कि साकार रूप में उपस्थित हैं, उनका क्वालिफिकेशन बताया भगवद गीता से। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो साकार ब्रह्म है वो क्या है, निराकार ब्रह्म जिनको मानते हैं, तो साकार से ही निराकार जो है आते हैं, निराकार से साकार नहीं आते। इसको तात्पर्य में हम डिस्कस करेंगे। और बताते हैं कि भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के सेवक के रूप में भी कार्य करते हैं, गुरु के रूप में भी कार्य करते हैं, मित्र के रूप में भी कार्य करते हैं। तो भगवान के साथ हमें क्या करना पड़ता है, अपने एक संबंध स्थापित करना पड़ता है। तो इसीलिए हमेशा संबंध ज्ञान में स्थित होकर के जब हम कार्य करेंगे तो हम उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। और बाद में लास्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें अपनी जो पद्धति है, जीवन पद्धति, वो कृष्ण पर आधारित होनी चाहिए। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय, श्री श्री नित्याय गौर सुंदर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमारी जो जीवन पद्धति है वो कृष्ण के साथ ही होनी चाहिए, है ना। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान हमारे परम हितैषी हैं, है ना। तो हम इससे समझेंगे। तो प्रहलाद महाराज में कथा बताने के बाद में नारद जी बताते हैं कि भागवत धर्म क्या है, है ना। तो भागवत धर्म क्या है, भागवत धर्म के विषय में बताया कि जो वो शिक्षाएं हैं, क्या शिक्षाएं, जो प्रहलाद महाराज जो कार्यकलाप कर रहे हैं, अपना आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं, है ना, विषम परिस्थितियों में, तो ये वास्तविकता में क्या है, ये भागवत धर्म है, है ना। और क्या किया गया, नरसिंह हिरण्यकश्यप का वध हुआ नरसिंह भगवान के द्वारा, और प्रहलाद महाराज के गुण, उनकी शिक्षाएं, और जो शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है वो भागवत धर्म है। तो भागवत धर्म के विषय में प्रहलाद महाराज जो है एग्जाम्पलरी हैं। कल प्रभु जी ने भी बताया था कि तीन चीजें हैं, क्या तीन चीजें बताई थी, किसको याद है? यस प्रभु, हाँ यस, करेक्टर, बिहेवियर, टीचिंग्स, है ना। तो ये तीनों चीजें क्या है, कैरेक्टर, CBT बताया था ना प्रभु जी ने, कैरेक्टर, बिहेवियर एंड टीचिंग्स। तो ये क्या है, ये भागवत धर्म है और ये प्रहलाद महाराज के लाइफ से हम सीखते हैं, है ना। तो क्या है, आजकल शास्त्र लोग पढ़ते हैं तो शास्त्रों में अलग अलग मतलब निकालते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसको शराब पीने, तो उसको बोले शराब मत पियो तो वो कहेगा नहीं नहीं क्यों ना पियूं भैया, ये तो मेरा डेली रूटीन है, मैं पैसा कमाता हूँ, शराब पीऊँगा, एंजॉय करूँगा अच्छे से। तो शास्त्र कहते हैं, कुछ वेद कहते हैं कि ठीक है आप यहाँ पर शराब मत पियो, हम आपको अच्छी शराब दिलाएंगे। कहाँ दिलाएंगे, आप स्वर्ग में जा करके शराब पी सकते हैं, है ना। क्या मिलता है वहाँ पर, सोमरस पी सकते हैं, है ना। तो वो क्या करता है, ठीक है प्रभु जी आपने बोला मैं यहाँ शराब नहीं पीऊँ, मैं सोमरस के लिए तैयारी करता हूँ, फिर तो अच्छा रस, बढ़िया रस चाहिए। तो क्या करेगा, सारी बैड एक्टिविटीज छोड़ेगा, थोड़ा बहुत कर्मकांड करना शुरू करेगा और स्वर्ग चला जाएगा। स्वर्ग में जाकर क्या पिएगा, सोमरस पिएगा लेकिन उसके बाद में फिर से क्या होगा, उसका पतन होगा, है ना। तो इसीलिए क्या है, कर्मकांड और जो अलग अलग जो वेद हैं, अलग अलग शास्त्र हैं, वो कई तरह से कुछ रूट घुमा करके ले जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में भागवत धर्म के बारे में प्रहलाद महाराज यहाँ पर एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं कि कैसे जो है एक भक्त कार्य करता है, कैसे व्यवहार करता है और किस प्रकार से दूसरों को वो शिक्षाएं देता है। कल प्रभुजी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे एक जो साधु का जीवन है वो एग्जाम्पलरी होना चाहिए, है ना। तो उसको हम समझें, अंडरस्टैंड करें यहाँ प्रहलाद महाराज की लाइफ से। फिर इसके बाद में जो लोग क्या करते हैं, आजकल पशुओं का जीवन जीते हैं, है ना, क्या आहार निद्रा भय मैथोनम चा, प्रभु जी ने कल एक्सप्लेन भी किया था इसको। तो पशुओं का जीवन जीने से क्या फायदा, वो तो सब पशु भी करते हैं और हम भी करते हैं, लेकिन स्पेशली क्या होगा, क्या स्पेशल करना होगा, लास्ट श्लोक की लाइन में क्या आता है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। तो धर्म क्या है, धर्म ये कि हम सुबह को बस पूजा कर लें, आरती कर ली, जाकर के व्रत उपवास कर लिया, ये धर्म हो गया, नहीं। शास्त्रों को पढ़ना और शास्त्रों के अनुसार आचरण करना, है ना, और शास्त्रों की शिक्षाओं का प्रचार करना, ये भी यही भागवत धर्म है और यही प्रहलाद महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रहलाद महाराज की लाइफ स्टाइल से, जीवन से हमें सीखना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद जी ने अलग से प्रहलाद महाराज के उपदेश एक बुक लिखी सेपरेट, कि ठीक है आप पूरा भागवतम नहीं पढ़ेंगे, जाकर के पहले प्रभुपाद प्रहलाद महाराज की टीचिंग्स को समझिए, है ना।
और उसके बाद में जब वो स्वर्ग जाते हैं तो स्वर्ग में और लोग भी रहते हैं, देवता भी रहते हैं। तो आप कहेंगे प्रभु जी स्वर्ग में सोमरस क्या बटता है, जैसे शरबत बटता है बाहर से सोमरस भी बटता है क्या? ऐसा नहीं होता। किसी की भोगने की इच्छाएं हैं स्वर्ग में जाकर के तो उनको मिलता है, सबको नहीं मिलता। यानी तो वहाँ ऋषि मुनि भी रहते हैं, सप्तऋषि रहते हैं, नारद जी रहते हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति रहते हैं। तो ये सारे लोग इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करते, है ना। ये क्या है? सकाम भक्त हैं। और ऐसे लोग जो कि वेदों में शास्त्रों में है ना भगवान के भक्तों के बारे में लिखा है, तो ऐसे बातों को छोड़ करके क्या करते हैं, बाकी चीज़ों में अपना मन लगाते हैं। तो सारा जो शास्त्र है वो भागवत नहीं है, क्लियर रहना चाहिए, सारे शास्त्र भागवत नहीं है। जो भागवत है, भागवत धर्म क्या है, इस टीचिंग से हमें समझना चाहिए, है ना। और भागवत का मतलब भगवान से संबंधित शास्त्र है। यहाँ नारद मुनि कहते हैं कि अभी मैंने यहाँ पर कथा बताई है अमलम पुराणम। ये जो कथा बताई तो वो क्या कहा, अमलम पुराणम। अमलम पुराणम मतलब जिसमें कोई भी गंदगी नहीं है, कोई भी दोष नहीं है, है ना। तो इसीलिए अमल पुराण है और हमेशा क्या है, शुद्ध है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इस भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। साथ साथ लोग क्या करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष इनके पीछे भागते हैं, है ना। कि धर्म करेंगे तो अर्थ मिलेगा, पैसा मिलेगा, कुछ फ्रूटिव एक्टिविटीज करेंगे फिर क्या होगा, जो हमारी डिजायर्स हैं वो फुलफिल होंगी, इच्छाएं पूरी होंगी, फिर क्या होगा, अगर भक्ति करते रहेंगे तो मोक्ष मिलेगा। लेकिन भक्त क्या करते हैं, मोक्ष की चिंता करते हैं, है ना। तो जो धर्म के चार स्तंभ हैं उनके विषय में लोग सोचते रहते हैं, उसमें भी प्रॉपरली कर नहीं पाते। लेकिन नारद जी यहाँ पर श्रुति फल के विषय में भी बताया, अभी जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ जो पहले के जो श्लोक हैं एक दो जो प्रभु जी ने कल डिस्कस किया उसके आगे के, वहाँ से थोड़ा ले रहा हूँ कि वहाँ पर भागवत धर्म के विषय में क्या बताया गया। और साथ ही साथ नारद जी बताते हैं कि सुनने का महत्व क्या है। अब प्रहलाद महाराज की कथा तो हुई, कथा सुनाई युधिष्ठिर महाराज को नारद जी ने, और सुनाने के बाद बता रहे ये सुनने से क्या होगा। तो सुनने से क्या होगा, ये श्रुति फल भी बता रहे हैं कि जो इस कथा को सुनता है वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है। कल प्रभु जी ने बताया था जब कंक्लूड किया था लास्ट में, तो बताया था कि भव बंधन से मुक्त हो जाता है। और जो भी ध्यान पूर्वक सुनते हैं उनको इस प्रकार से लाभ होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन सुन लिया और बाकी पूरा जीवन सुनने का नंबर ही नहीं आया। भोजन एक दिन खा लीजिए और पूरा जीवन मत खाइए तो क्या सेटिस्फेक्शन होगा, नहीं होगा। अभी जब हमने भागवतम शुरू किया तो क्या बोला, नित्यम भागवत सेवाया, नित्यम भागवत सेवाया। ऐसा नहीं कि एक दिन सुन लिया या तीसरे दिन सुन लिया, टीवी पे कुछ आ रहा है वहां पर सुन लिया, व्हाट्सएप पे कुछ आ गया वो सुन लिया, नहीं। ये फालतू का ज्ञान नहीं, शास्त्रों को उठाइए और पढ़िए। अगर हम शास्त्रों को उठा करके नहीं पढ़ते हैं, उनको धूल चटा रहे हैं, तो फिर हमारी भी स्थिति ऐसे ही होने वाली है। क्यों? क्यों हम देख रहे हैं अभी बहुत सारी मूवीज बन रही है, रिसेंटली एक मूवी आई हुई है उसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है ना, लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं। क्यों? उसमें एक लाइन स्पेशली कहा गया कि अगर आप अपने बच्चों को क्या नहीं सिखाएंगे, धर्म नहीं सिखाएंगे, तो वो क्या होगा, कोई दूसरा व्यक्ति उनको धर्म सिखा देगा। तो ऑब्वियस है बिल्कुल सिखाएगा, अगर माइंड तो खाली है ना, यहाँ तो कुछ चाहिए। अगर वो यहाँ जा करके हमारे रिचुअल्स नहीं करेगा, किसी और के जा करके करेगा। तो बेटर ये है कि हम समझें, और खाली रिचुअल नहीं करना है, इसलिए मैंने कहा कि भागवत धर्म को समझिए। भागवत धर्म क्या है, आचरण भी करना है, सीखना है, आचरण करना है और दूसरों को सिखाना है, ये भागवत धर्म है। केवल ये नहीं सुबह को बेटा उठ जा, आरती कर ले, भगवान को प्रणाम कर ले, ये तो करना ही है, ये तो डेली रूटीन है हमारा कि सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त तो लोग 8 बजे होता है आजकल। मंदिर में तो 4 बजे हो जाता है, लेकिन बाकी तो बाहर 8 बजे से पहले ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता लोगों का, है ना। फिर डेली रूटीन अपना भागम भाग ये सारा चलता रहता है। तो भागवत धर्म को समझिए, है ना। प्रभुपाद ने इसलिए कहा क्या, प्रीचिंग इज दी एसेंस, बुक्स आर दी बेसिस। तो शास्त्रों को पढ़िए और प्रचार भी कीजिए, है ना। जब हम प्रचार करेंगे तो क्या होगा, लोग जो हमसे वो डिविएशन वाला पार्ट वो सॉल्व हो जाएगा, लोग इधर उधर भ्रमित न होकर के नहीं घूमेंगे, है ना। तो इसलिए हमें इस तरह से करना चाहिए। और इस प्रकार प्रहलाद महाराज की कथा बताने के बाद नारद जी कहते हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। अब जो श्लोक आ रहा है ना कि हे युधिष्ठिर महाराज आप बहुत भाग्यशाली हो, तो युधिष्ठिर महाराज तो सोच रहे थे कि अरे प्रहलाद महाराज बहुत भाग्यशाली हैं, केवल उनके कहने मात्र से भगवान प्रकट हो गए। तो अभी तक यही समझ रहे थे युधिष्ठिर महाराज, लेकिन नारद जी कहते नहीं नहीं आप बहुत भाग्यशाली हो। तो कहते हैं क्यों आप भाग्यशाली हो,
क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज के कहने से भगवान प्रकट हुए, थोड़ा युद्ध चला, शाम के समय भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया, और फिर भगवान क्या हुआ, सारे देवी देवताओं ने स्तुति की, भगवान अपने धाम चले गए और सारे देवी देवता जो वहां पर आए थे वो सब भी चले गए। लेकिन यहाँ पर भगवान स्वयं उपस्थित हैं और पांडवों के साथ रहते हैं, बचपन से उनके साथ रहते हैं और 125 वर्ष तक उनका संग किया। तो इसीलिए कह रहे हैं नारद जी कि आप बहुत भाग्यशाली हो कि भगवान स्वयं आकर के आपके साथ रहते हैं। बोला ना श्लोक में, तुम्हारे मामा के रूप में, पुत्र के रूप में तुमसे घनिष्ठता संबंधित हैं, रिलेशन भी है भगवान का, है ना, कि आप क्या है, मेरी बुआ के बेटे हो, मेरे मामा के बेटे हो, है ना। और इस तरह से भगवान क्या करते हैं, युधिष्ठिर महाराज को क्या बोलते हैं, बड़े भाई बोलते हैं, भ्राता बोलते हैं, और बोलने के साथ क्या करते हैं, उनके पैर भी छूते हैं युधिष्ठिर महाराज के। युधिष्ठिर महाराज दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद भी देते हैं, है ना, तथास्तु, खुश रहो, भगवान को आशीर्वाद देते हैं, तो भगवान आशीर्वाद को एक्सेप्ट भी करते हैं, है ना। तो किस प्रकार से ये जो संबंध है, ये घनिष्ठ संबंध जो भगवान के साथ है पांडवों का, है ना, भक्तों का जो संबंध भगवान के साथ होता है, है ना, तो उसको हमें समझना चाहिए कि संबंध कैसे होगा भगवान के साथ, है ना। और प्रहलाद महाराज की कथा के बाद आगे बोल रहे हैं और ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि मनुष्य लोक में भगवान आपके साथ निवास कर रहे हैं, है ना, कितने भाग्यशाली हो, यू आर सो फॉर्चुनेट, कितने भाग्यशाली हैं आप, है ना। और बड़े बड़े ऋषि मुनि क्या करते, तपस्या करके चाहते हैं कि भगवान का संग करें, है ना। कई लोग बोलते हैं कि भगवान के साथ इतनी सारी गोपियां थी तो भगवान के साथ गोपियां थी तो वो कौन थे, वो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे जो भगवान का संग करना चाहते थे, जिन्होंने जन्मों जन्मों तक तपस्या करके यही चाहा कि वो भगवान का संग करें, आकर के भगवान के मित्र बने, भगवान की संगिनी बने, है ना, भगवान की लीलाओं में भाग लें। तो वो जाकर के भगवान ने उनकी सबकी इच्छाएं पूरी की और वो आकर के भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ सकता, भगवान कहते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम, है ना, भगवान की जो एक्टिविटीज हैं ये समझना आसान नहीं है। और हम जब इस भौतिक बुद्धि से, इस मेटेरियलिस्टिक जो ऑपुलेंस है उससे समझना चाहते हैं भगवान शास्त्रों को, तो हम नहीं समझ सकते, है ना। तो इसलिए अपने जो कैरेक्टर है वो अपना कैरेक्टर शास्त्रों के अनुसार बनाइए, भगवान के अनुसार कैरेक्टर बनाने का प्रयास मत कीजिए, है ना। भगवान तो बचपन में जब छोटे थे तो गोवर्धन भी उठा लिया था, जंगल की आग का भी पान किया, है ना, और क्या किया, ब्रह्म विमोहन लीला भी की, अपना एक्सपेंशन भी किया। ऐसा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसीलिए भगवान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और जब बता रहे हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कि भगवान जब हमारे साथ रहते हैं, है ना, युधिष्ठिर महाराज के साथ रह रहे थे, तो समझिए आज आपके घर पे प्राइम मिनिस्टर रहने आ जाएं, प्रधानमंत्री आपके घर पे रहने आए, तो क्या ट्रीटमेंट मिलेगा आपको, कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा? सब लोग आके पूछा, अरे आपके घर, तुम्हारे घर प्रधानमंत्री रहते हैं क्या? अच्छा, मैं भी मिलना चाहता हूँ, थोड़ा सब भीड़ लगी रहेगी, थोड़ा सिक्योरिटी हो जाएगी, सारा सब कुछ इस तरह से रहेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, भगवान खुद आकर के रहते, लोग मिलने आते हैं, भगवान का दर्शन करने आते हैं, तो हर समय पांडव लोग सेवा में लगे रहते हैं अरे गेस्ट आ रहे हैं, उनको वेलकम करना है, सब कुछ अरेंजमेंट करना है, सारा सब कुछ लगे रहते हैं। तो जो सोचिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए इतना अरेंजमेंट है और भगवान के लिए, तो भगवान के लिए और इससे अच्छा अरेंजमेंट होना चाहिए, है ना। तो इसलिए घर की शोभा किससे बढ़ जाती है? भगवान से। हमारे मंदिर में भी विराजमान है राधा मदन मोहन जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, निताई गौर सुंदर, है ना, और इनकी वजह से ही यहाँ मंदिर की शोभा है, है ना। इनकी वजह से ही लोग यहाँ पर आते हैं, इनका दर्शन करते हैं, और हमें भी क्या होता है, हमें भी जॉय मिलता है। देखो इतने सारे भक्त आए हैं, फेस्टिवल्स हो रहे हैं, आज फेस्टिवल है, उत्साह है हम सभी के हृदय में, है ना। तो क्या होता है, भगवान के उपस्थित होने से क्या होगा, हमारा हृदय शुद्ध होता है, हम भगवान की सेवा में एंगेज होते हैं, और साथ ही साथ हम प्रचार भी करते हैं। तो तीनों चीजें हो जाती हैं, क्या, CBT, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर, बिहेवियर एंड टीचिंग्स, है ना। तो इसलिए कल प्रभु जी ने स्पेशली बिहेवियर पर और कैरेक्टर पर फोकस किया था, टीचिंग्स पे भी बोला लेकिन कैरेक्टर और बिहेवियर पर फोकस किया, तो उसको हमें मेंटेन करना चाहिए। और फिर सारे नारद जी और प्रशंसा करते हैं युधिष्ठिर महाराज की, है ना। तो एक और एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए आपके पास खजाना है, आपको पता लगे मुझे कुछ खजाना चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ चाहिए, तो हम सब जगह ढूंढते हैं वो खजाने को, जाते हैं, और आपको बाद में पता चले अरे वो खजाना तो मेरे घर में ही था तो खजाना जब घर में था तो हमें क्या करना चाहिए, उसको घर में ही ढूंढना चाहिए। इसी तरह से भगवान की भक्ति को जो हम अलग अलग जगह जाकर, यूट्यूब चैनल, अलग अलग बाबा जी के पास जाकर, या कई तरह सोर्सेज से सुनने का प्रयास करते हैं, अलग अलग कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी ने सारी बुक्स में, अपने लेक्चर्स में सब कुछ सफिशियंट दिया है,
है ना। हम लोग इस्कॉन मंदिर में आते हैं, उसके बाद भी हम कई और जगह जाते हैं और वहाँ पर जाकर के अलग अलग मेथड से, अलग अलग चीज़ों से सुनने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी छोटी है कि हम इस संसार के जो अलग अलग लोग जो कुछ कुछ बोल रहे हैं, हमें बोलना अच्छा लग रहा है उनका, उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है, लेकिन हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। अपना कैरेक्टर कैसा है, अपना बिहेवियर कैसा है, हम किसी को क्या टीचिंग्स दे रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। हाँ, अलग अलग जगह जाते रहेंगे, अरे वो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो बहुत अच्छा सुनते हैं, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपने क्या सीखा, आपने क्या सिद्धांत सीखा, अपने जीवन में क्या उतारा आपने। हम देखते हैं कि भक्त मंदिर आते हैं, आते हुए 2 साल 4 साल 5 साल भी हो जाते हैं, लेकिन बिहेवियर में चेंज नहीं होता, व्यवहार नहीं बदलता, कैरेक्टर नहीं बदलता, है ना। और शिक्षाएं तो संभव, जब प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ते, प्रभुपाद के लेक्चर्स नहीं सुनते, भक्तों का संग नहीं करते, तो टीचिंग्स तो बहुत दूर की बात रही। और इसीलिए उनका हृदय क्या होता है, फिर 5 साल बाद बोले प्रभु जी अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो 5 साल के 10 साल हो जाएंगे, 50 साल 100 साल भी हो जाएंगे, तब भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भक्तों का संग करते हुए, सीनियर वैष्णवों का संग करते हुए, कल प्रभु जी ने ये बात बोली थी कि हमें क्या करना चाहिए, उच्च वैष्णवों का संग करना चाहिए, तो ये हमें अवश्य करना चाहिए। और जब माता बच्चे को पालती है ना, तो क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि ये बच्चा जो होगा ये बड़ा होकर के क्या करेगा, हमारा सहारा बनेगा। है ना। अरे हमने स्पेशली ब्रह्मचारी जब घर छोड़ करके आते हैं तो पेरेंट्स बहुत एक्सपेक्टेशन होता है, फिर अरे छोड़ करके जा रहा है, इतना रोते हैं, चिल्लाते हैं, केस फाइल करते हैं, बहुत सिचुएशन चैलेंजिंग हो जाता है कभी कभी भक्तों के लिए। लेकिन वास्तविकता में भोग का अधिकारी कौन है, ना, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। तो देखते हैं कि माता बच्चे की सेवा करती है, बच्चे माता पिता की, पति पत्नी की, पत्नी पति का, है, इस तरह से जो है समाज चलता है। नेता लोग आते हैं हाथ जोड़ करके, हम आपकी सेवा करेंगे, अभी इलेक्शन हुआ है। तो सारे आएंगे, घर घर पे आएंगे, हम आपकी सेवा करेंगे, ये करेंगे, बड़े बड़े कमिटमेंट देंगे, लेकिन कहाँ कहाँ वो कमिटमेंट फुलफिल होते हैं। माता पिता कहते हैं बच्चे की रक्षा करेंगे, क्या वास्तविकता में बच्चे की बीमारियों से, मृत्यु से रक्षा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। अगर बच्चा बहुत पैसे कमाता भी है तो पैसे कमा करके वो क्या कर सकता है, सिर्फ पैसा दे सकता है ना। डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या बोलेगा, डॉक्टर साहब ये पैसा ले लो, इतना ये ठीक ठीक कर दो मेरे माता पिता को, है ना। लेकिन डॉक्टर कहेगा नहीं सॉरी मैं नहीं कर सकता, आप जाइए मंदिर में जाइए, थोड़ा मत्था टेकिए, भगवान को थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए। तो डॉक्टर क्या बोल रहा है, पैसा लेकर के रिक्वेस्ट करवा रहा है, हम तो इतना बोल रहे हैं कि पैसा दीजिए हम आपके लिए एक और मंदिर बनाएंगे, है ना, जहाँ आकर के आप डॉक्टर को इतना पैसा नहीं देना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाकर के डॉक्टर कहता है कि 5 लाख रुपया लगेगा, हाँ डॉक्टर साहब बताइए, अभी घर बेच करके, ज्वेलरी बेच कर, सब कुछ बेच बाज करके हम क्या करते हैं, हम जाते हैं और पैसा डॉक्टर को दे देते हैं और 2 मिनट में ख़त्म, और शरीर पे बचा नहीं, फिर रोते हुए वापस आ जाते हैं खाली हाथ, अरे सब कुछ चला गया, व्यक्ति भी चला गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका CBT कैरेक्टर का भी निर्माण होगा, है ना, बिहेवियर का भी निर्माण होगा, आप अच्छा आचरण प्रस्तुत करेंगे और साथ में टीचिंग्स भी मिलेंगे और दूसरों के लिए एग्जाम्पलरी होंगे आप लोग, है ना। तो इस्कॉन एज एन इंस्टीट्यूशन काम करता है, लोगों को लगता है इस्कॉन मंदिर बड़े बड़े पैसा वसूलते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं लोगों से, पैसा लेते हैं बिल्कुल लेंगे, और बड़े मंदिर बनाने हैं ना, और प्रचार करना है और सारे मंदिर बनाने हैं, और आप अगर नहीं देंगे तो फिर कहाँ से बनाएंगे, हम ब्रह्मचारी हम तो जॉब नहीं करते, है ना। तो सारे इतने सारे लोगों को आप, हमारे 80 भक्त रहते हैं ऊपर आश्रम में, है ना, 80 भक्तों को आपके घर में 80 लोग रहने आ जाएंगे तो कैसा होगा, सोचिए एक टाइम का खाना खिलाना मुश्किल पड़ जाएगा, है ना। तो भक्तों को मेंटेन करना, तो ये सारी चीजें है ना, इसीलिए क्या है, हमें ये देखना चाहिए कि डिपेंडेंसी किस पर हो, किस पर आश्रित हो, कृष्ण पर आश्रित हो, है ना। पांडव जब वन में रहते थे, है ना, तो भगवान ने, जब दुर्वासा ऋषि वहां पर आए और दुर्वासा ऋषि के आने से पहले वहां भगवान पहुंच गए, अचानक उनको पता लग गया और कहां से भगवान पहुंच गया, भगवान ने जाकर के कहा अरे टेंशन मत लो, कुछ रखा होगा खाना, पहले मुझे तो खिलाओ, उनको बाद में खिलाना, कुछ मुझे खिलाओ, कुछ देखा होगा, कुछ अन्न का दान होगा। द्रौपदी कहती है, दूसरे महाराज कहते हैं नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है, कहते अरे कुछ होगा निकाल कर उधर लाओ, देखा एक अन्न का दाना था, वो जैसे ही खाया 10,000 शिष्य दुर्वासा ऋषि सबको क्या हो गया, पूरा पेट फुल हो गया, बोले अगर अभी भोजन बना लिया होगा, हमने नहीं खाया तो अभी उल्टा हमें श्राप दे देंगे, क्योंकि ये भी शुद्ध वैष्णव है ये दूसरे महाराज। तो क्या हुआ, किस तरह से भगवान क्या करते हैं, तृप्ति करते हैं, सबकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करते हैं, लेकिन हमें मेटेरियलिस्टिक डिजायर लेकर के भगवान के पास नहीं जाना चाहिए, है ना। मेटेरियलिस्टिक डिजायर तो किसी भी देवी देवता की उपासना कीजिए, मेटेरियलिस्टिक डिजायर फुलफिल हो जाएंगी, भगवान ने सब देवी देवताओं को रखा ही इसीलिए,
उनको ये स्पेशल पावर दी हुई है कि जो भौतिक इच्छाएं इनकी पूरी करिए, उस भौतिक संसार में फंसा के रखिए, और लोगों को लगता है हाँ इनकी पूजा करो, उनकी पूजा करो, भौतिक संसार में फंसे रहो, क्यों? क्योंकि इच्छाएं पूरी हो रही हैं, लेकिन वास्तविक इच्छा क्या है, है ना? इसीलिए कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से कि नारद जी आप बहुत भाग्यशाली हो, भगवान क्या करते हैं आपका संग करते हैं, और आपके कहने से क्या हुआ, बोले तुम्हारे घनिष्ठ संबंध है और वे पूज्य भी हैं, तुम्हारे सेवक की तरह, कभी कभी तुम्हारे गुरु की तरह कार्य करते हैं। तो सेवक की तरह कब कार्य किया भगवान ने, कौन बताएगा? यस, जोर से बोले थोड़ा। अर्जुन का रथ चलाया, संदेशवाहक, क्या किया? बोला कि युद्ध करने से पहले मैं जाऊंगा शांति दूत बन करके, है ना? तो सोचिए शांति दूत, एक अगर हम बोलें कि किसी के पास भेजें कि मेरा मैसेज लेकर के जाइए, तो व्यक्ति की कैटेगरी कैसे मानेंगे हम, कि हायर कैटेगरी है लोअर कैटेगरी है? लोअर कैटेगरी है। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के लिए किसी भी स्तर तक जाते हैं, किसी भी स्तर तक जाते हैं, और जा करके बोला नहीं ये मैं लेकर जाऊंगा, लेटर लिया, प्रॉपर शांति दूत बन करके गए दुर्योधन के पास, संभव नहीं माना, भगवान को बंदी बनाने का प्रयास किया, तो भगवान ने कहा ठीक है ये मानने वाला ऐसे मानने वाला नहीं है, है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो भगवान ने कहा ठीक है मारो। लेकिन उसके बाद में जब अर्जुन को लेकर के वहां पर पहुंचे, तब क्या हुआ, युद्ध के मैदान में अर्जुन देख करके घबरा गया। क्या घबराया कि सारे जो मेरे रिलेटिव हैं, सारे मेरे नोन हैं, वो सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं, और मैं क्या करूँगा, इनको नहीं मारूंगा। भगवान कह रहे अरे क्या बोल रहे हो कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम सुवर्गम कीर्तम अर्जुनम। श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे, यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो, इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। कि अर्जुन ये सोच कैसे भी रहे हो तुम, है ना, क्षत्रिय होकर के तुम ऐसा अपने मन में विचार ला रहे हो। तो अर्जुन कहते हैं, आगे भगवान बोलते हैं, क्लैव्यम अस्म गामा पार्थे नेत्र युपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवो तिष्ठ परम तपा। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, शत्रुओं के दमन करता हृदय की क्षुद्र दुर्बलता का त्याग करो और खड़े हो जाओ। इंस्पायर कर रहे हैं भगवान कि कैसे आप डिमोटिवेटेड हो रहे हो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। कल भी जब दोपहर में लेक्चर हुआ था तो प्रजी बोल रहे थे कि जो है किस तरह से हम ब्रह्मचर्य आश्रम में कंटिन्यू करें, है ना, डिविएशन तो आते ही हैं, माया अपना कार्य करती है, लेकिन क्या है, हम जब ऐसे संतों को देखते हैं, स्पेशली गुरु महाराज और ऐसे भक्तों को देखते हैं जो कि शुद्ध वैष्णव हैं, प्रभुपाद जी क्या स्ट्रगल नहीं आया, क्या स्ट्रगल नहीं था अगर हमको 40 रुपए दे करके आज यहाँ दिल्ली भी भेज दिया जाए तो 40 रुपए लेके हम दिल्ली भी नहीं जा सकते, है ना। और प्रभुपाद जी कहाँ गए, अमेरिका गए, अमेरिका में जाकर इस्कॉन को एस्टेब्लिश किया, प्रचार किया, है ना, और प्रचार करने के बाद में पूरे विश्व में 108 मंदिर बनाए, और आज प्रभुपाद जी की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से हम सब इस्कॉन के एक मंदिर में बैठ करके कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो ये एनवायरमेंट दिया प्रभुपाद जी ने हमें, है ना। तो ये क्या कर सकते हैं, ये शुद्ध भक्त ही कर सकते हैं भगवान की कृपा से, और भगवान क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा, हमें भी अपना कुछ एक्शन करना पड़ेगा, कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लेटे हुए भगवान हमें खिलाएंगे तो भगवान आएंगे, आपका मुंह खोलेंगे, अपने हाथ से आपके मुंह में डालेंगे, और मुंह भी चलाने की जरूरत नहीं है, भगवान पर चबा के दे देंगे आपको, क्या करना है मुंह चला के प्रॉपर जो है ना। तो पूरा भगवान पे सरेंडर होने का मतलब ये नहीं है कि जाकर के हम अपने पूरा सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया और बैठ गए आराम से, नहीं, प्रयास भी तो करना है, एफर्ट भी तो करना है, है ना। तो भगवान हमारा प्रयास देखते हैं कि कितना प्रयास कर रहे हैं। वास्तविकता में ये बोलता तो है कि मेरे भगवान आपके धाम आना है, आपके धाम आना है, लेकिन मेरे धाम आने के लिए क्या तपस्या किया, क्या इनिशिएटिव लिया, ये सारा क्या किया, इसके बारे में नहीं सोचते, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर नारद जी का भगवान डांट लगाते हैं अर्जुन को, है ना। तो भगवान क्या है, त्रिलोकीनाथ हैं और त्रिलोकीनाथ क्या करते हैं, किसी हर व्यक्ति के हृदय की बात जानते हैं। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो भगवान को पता है क्यों पूरी करूं, है ना, ये तो पिछले जन्मों से ये इच्छाएं करता जा रहा है, हर बार मुझे बोलता है, जब भी माता के गर्भ में जाता है हाथ जोड़ करके 9 महीने तक पड़ा रहता है, वहां पर जाकर बोलता है भगवान इस बार मैं आपकी भक्ति करूंगा, इस बार जब इस भौतिक संसार में जाऊंगा मैं आपकी भक्ति करूंगा, है ना, इस बार मुझे जो है एक चांस दे दीजिए प्लीज। लेकिन उसके बाद में जैसे ही माता के गर्भ से बाहर बच्चा आता है, 3 गुणों के प्रभाव से वो क्या करता है, उसमें फंस जाता है और मृत्यु तक उसी में लगा रहता है। फिर जब यमदूत आते हैं फिर वो अच्छे से याद दिलाते हैं, है ना, मारते हुए ले जाते हैं और कहते हैं भूल गया,
है ना, बोला था भक्ति करेंगे लेकिन अभी क्या किया, फिर से भक्ति नहीं की, है ना, तो लो पनिशमेंट, जाकर के अलग अलग नरकों में वहां पर जाकर के उनको सड़ाते हैं, मारते हैं, यातनाएं देते हैं, है ना। पुत्र पुत्री, जो पू शब्द है, पू शब्द एक पू नामक नरक से आया है, एक नरक है उसका नाम है पू, है ना, तो वहां से ही पुत्र और पुत्री शब्द है कि पुत्र और पुत्री होगा तो हमें इन नरकों से निकालेगा हमारे, लेकिन पुत्र पुत्री खुद नरक में गिर जाते हैं हमें क्या निकालेंगे, है ना। जैसे ही व्यसनों में फंसते हैं, व्यभिचार में फंसते हैं, CBT नहीं करते, है ना, तो इसीलिए जो आजकल के नास्तिक बच्चे, वो क्या हमारा श्राद्ध करेंगे, पिंडदान करेंगे, कैसे भगवत धाम पहुंचाएंगे, नाम जब तो भूल ही जाइए, क्या वो हमारे लिए करेंगे, है ना। तो हमें जब तक हम संस्कार नहीं देंगे, इसलिए मिस्टेक उन बच्चों की नहीं है, मिस्टेक हमारी है, गलती हमारी है, है ना, और हमारी भी गलती है क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें नहीं सिखाया और हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया, हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया तो वो मानने को तैयार नहीं है कि भगवान नाम के कुछ होते हैं, उनका कुछ अस्तित्व भी है, और शास्त्र तो भूल ही जाइए कि कोई किसी को पढ़ाता हो, चलो बेटा आज शाम को हम एक घंटा रामायण पढ़ेंगे या आधा घंटा भगवद गीता पढ़ेंगे, कुछ नहीं, चलो एक श्लोक आज पढ़ेंगे, एक श्लोक पर डिस्कशन करेंगे, घर में कोई करता है, कोई नहीं करता, कोई भी नहीं, है ना। कोई भक्त हैं, भक्त बस जबरदस्ती कराते हैं, भक्तों से ऑनलाइन क्लास करके क्लासेस में बुला के जबरदस्ती कराते हैं, लेकिन उसके बाद भी सारा का सारा व्यर्थ रहता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें शास्त्रों के अनुसार आचरण करना चाहिए। दूसरा, हम क्या करते हैं, कई बार जो गुरु हैं, गुरु हमारे अंदर फॉल्ट देखते हैं, है ना, फॉल्ट देखते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि गुरु हमारे अंदर फॉल्ट देखें? कितने लोगों को लगता है जरूरी है? क्यों क्यों कभी दूर नहीं होगा, लेकिन फिर कहते हैं फॉल्ट फाइंड नहीं कर रहे हो आप, बताइए, हम तो सब कुछ, जैसे कल प्रभु जी बोल रहे थे ना कि सब कुछ छोड़ के आए हैं, हम तो आश्रम में आ गए हैं, है ना, हम तो प्रभु जी अपना समय निकाल करके, इतने जॉब से सब टाइम निकाल करके हम मंदिर आते हैं और हमारी गलतियां बताई जाती हैं मंदिर आने पर हमें, है ना, हमसे बोला जाता है आप ये गलत कर रहे हो, ये अपराध कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, चार चीज़ें और बताई जाती हैं, तो उससे तो हमारे भक्ति तो कुछ होती नहीं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है है ना, तो अगर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है तो यानी आप सही से भक्ति नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। अगर आप गुरु के गाइडेंस में रहकर, भक्तों के गाइडेंस में रहकर, जो भी आपके काउंसलर हैं, आपके जो फैसिलिटेटर हैं, उनके गाइडेंस में रहकर अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, अपनी मनमानी भक्ति नहीं कर रहे, मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, तो उससे तो अच्छा है कि हम बाहर जाकर कुछ और, जैसे डेली रूटीन में करते थे वही कर लें, है ना, क्यों सर दर्द कर रहे हैं अपने गुरु का, है ना, वैष्णवों के सर में दर्द कर रहे हैं, है ना, कि उत्पात कर रहे हैं और भक्ति भी नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा, हमारे जीवन में कष्ट रहेंगे ही, इसलिए गाइडेंस में रह करके भक्ति करना जरूरी है। पूछिए प्रभु जी कितनी बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा लेक्चर सुनना है, क्या मेरा आचरण कैसा है, उनसे फीडबैक लीजिए बार बार, है ना, और जो फीडबैक दें उसको सीरियसली लीजिए, अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, अपने आप को करेक्ट करने का प्रयास कीजिए, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, है ना। जब फीडबैक दिया जाता है तो हमें लगता है कि हमें पता नहीं क्यों हमें बताया जा रहा है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है हमारे लिए, है ना, तो उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। तो इसलिए अर्जुन ने जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तो भगवान ने कहा कि क्या क्या बोल रहे हो तुम क्या करना चाहते हो, है ना, तो इसलिए क्या अर्जुन ने कहा, कार्पण्य दोषो उपहस स्वभाव, है ना, कि मेरी जो कमी है उसके कारण मेरे अंदर ये दोष उत्पन्न हो गया, अब मैं आपको क्या स्वीकार करता हूँ, अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, तो जब हमने गुरु स्वीकार कर लिया तो फिर हमारे पास में फिर ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, जो अननेसेसरी चीज़ें माइंड में आती है वो कहाँ से आ रही हैं, है ना, कुछ भी जब आपने गुरु को सरेंडर कर दिया तो सारा चीज़ वो देखेंगे, और आप उनके गाइडेंस में रहकर उनकी इच्छा के अनुसार कार्य कीजिए, अपनी कोई इच्छा नहीं, ना कोई भी इच्छा नहीं। एक बार एक राजा था, और स्लेवरी सिस्टम पढ़ा होगा आपने बुक्स में, है ना, तो स्लेवरी सिस्टम में गए, स्लेव को एक पकड़ के लाया गया, और राजा के पास जब लाया गया तो राजा ने कहा कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तो उस दास ने कहा कि मेरी क्या इच्छा है, मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, तो उसने कहा फिर भी कुछ इच्छा तो होगी तुम्हारी, उसने कहा नहीं, अब तो मैं आपका दास हूं ना, अब जो आपकी इच्छा है वो मेरी इच्छा है, तो हमारी इच्छाएं बीच में कहां से घुस रही हैं, है ना, कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, नहीं, कोई इच्छा की आवश्यकता नहीं है, शास्त्र पढ़ने हैं, है ना, प्रहलाद महाराज के लाइफ का एग्जाम्पल है हमारे पास में, हम रेगुलर साधना करते हैं, इतना अच्छा हमें भक्तों का संग मिला हुआ है, राधा मदन मोहन जी का दर्शन मिलता है, रोजाना महाप्रसाद मिलता है, जो महाप्रसाद का एक कण बाहर भक्तों को दुर्लभ है, एक पुष्प लोग लेने के लिए तरसते हैं बाहर,
और हमें क्या है, इतने इजीली भगवान का महाप्रसाद और सारी चीज़ें इजीली मिल जाती हैं, ये केवल वैष्णवों की कृपा से ही संभव है। तो इसीलिए हमें गुरु का, वैष्णवों का, स्पेशली प्रभुपाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि उनकी कृपा से ये सारी चीज़ें संभव हो पाती हैं। अब आते हैं अभी तक ये बोला, और दूसरा यहाँ पर निराकार और साकार ब्रह्म के बारे में भगवान बोल रहे हैं, है ना, पहले श्लोक की पहली लाइन में, है ना, सव अयम ब्रह्मा, है ना। तो यहाँ पर ट्यूबलाइट लगी हुई है, सभी लोग देख रहे हैं, लाइट लगी है, है ना। तो अगर लाइट से प्रकाश निकल रहा है, लाइट से ये ट्यूब है, बल्ब है या ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट होती है तो उससे प्रकाश निकलता है, तो इसी प्रकार से भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है वो क्या है, वो ब्रह्म है। जो लोग बोलते हैं ब्रह्म है, ज्योति है, ये सारा, वो सारा भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश मात्र है। तो अगर ट्यूब है तभी तो ट्यूबलाइट है, अगर ट्यूब नहीं होगा तो ये कैसे, वो मूर्ख कैसे समझे उनको समझा भी नहीं सकते। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जो लोग साकार रूप में मेरी उपासना करते हैं ठीक है, निराकार में करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन साकार रूप में मेरी उपासना करना सर्वोत्तम है, है ना। तो इसलिए साकार रूप में हमें भगवान की उपासना करनी चाहिए, है ना। और भगवान के विग्रह हैं, भगवान का दर्शन है, तो इन लीलाओं का आस्वादन वो कैसे कर सकते हैं, अभी हम थोड़ी लीला के ऊपर भी चर्चा करेंगे, आज जो फेस्टिवल है, है ना, तो इन लीलाओं का आस्वादन वो नहीं कर सकते, है ना, ड्राई 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 कभी फिलोसफी ड्राई लगती है, लेकिन उनका तो पूरा ही ड्राई है, सूखा, कुछ है ही नहीं, ना लीलाओं का आस्वादन है, ना कुछ है, है ना, और भगवान भी है नहीं सामने। हम कम से कम मदन मोहन जी के दर्शन करते हैं तो चित्त तो प्रसन्न होता है, भगवान की सेवा करते हैं तो माइंड एंगेज होता है सेवा में, वहाँ पे कुछ नहीं, बस क्या, सोशल सर्विस करते रहिए, आपस में मार धाड़ करते रहिए, लड़ते रहिए, कोई कैरेक्टर नहीं, कोई बिहेवियर नहीं, कुछ नहीं, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान की सेवा करने के लिए प्रयास करना चाहिए, और संत लोग क्या करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, है ना। कभी कभी ब्रह्मा जी और शिव जी भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्रह्म विमोहन लीला, है ना। तो ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी क्या हुआ, खुद ही रिक्वेस्ट करके भगवान को बोला, हे भगवान आप धरती पर अवतार लीजिए, कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। और जब भगवान बाल लीला कर रहे थे, साथ में भोजन कर रहे थे, उतने देख के कंफ्यूज हो गए कि अरे देखो ये तो भगवान, मैंने इनको भेजा था क्या, है ना। और जाकर के ये क्या कर रहे हैं, ये तो अरे उनके मुंह से निकाल निकाल करके खा रहे हैं, और तो छोड़ो उसके मुंह से छाछ निकाल करके भगवान पी लिया भगवान ने इसको देख करके, अरे बाप रे इनको तो 56 भोग लगते हैं, लोग कपड़ा मुंह पे बांध कर सर ढक के ना सूंघते हैं, ना ऐसा करके प्रसाद बनाते हैं, और उसमें से भी कुछ ही खाते हैं, कभी कभी बस देख के ही तृप्त हो जाते हैं। तो इतने से देख करके ब्रह्मा जी कन्फ्यूज़ हो गए, शिव जी कन्फ्यूज हो जाते हैं है ना। भगवान ने जब मोहिनी अवतार लिया तो क्या हुआ, शिव जी कन्फ्यूज, भगवान प्लीज वो आपका वाला रूप एक बार मैं फिर से देखना चाहता हूँ। तो भगवान, अरे कोई जरूरत नहीं, क्या है, क्या करना है। बोले नहीं नहीं प्लीज प्लीज एक बार दिखा दीजिए, थोड़ा दिखा दीजिए, है ना। जैसे ही भगवान ने मोहिनी रूप रखा, फिर से शिव जी भागने लगे पीछे पीछे तो भगवान क्या करते हैं, ऑल अट्रैक्टिव हैं, है ना। और क्या करते हैं, जो जीव हैं, जीव तब ब्रह्मा जी तक सभी जीव की कैटेगरी में आते हैं, तो सबके सब क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित होते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है, क्वेश्चंस हैं, तो हमारे स्कॉन में बहुत अच्छा सिस्टम है, हमारे फैसिलिटेटर हैं, काउंसलर हैं, सीनियर वैष्णव हैं, हमें उनके पास जाके अपने सारे डाउट्स क्लियर करने चाहिए। प्रभु जी कैसे मैं कंटिन्यू करूं भक्ति में, कैसे मैं दृढ़ता से और भक्ति करूं, मैं बहुत वीक हो रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत डाउट्स आ रहे हैं, फैमिली अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ये सारा, है ना। फैमिली तो एक दिन छोड़नी ही है, अभी नहीं छोड़ेंगे तो बाद में छोड़ेंगे थोड़े दिन बस वो रोएंगे, जैसे अभी रोएंगे ऐसे बाद में रोएंगे, है ना। फिर से भाई कि अरे मेरा बेटा चला गया, ये हुआ वो हुआ, है ना। तो उससे अच्छा है कि हम ठाकुर जी की सेवा करके उनकी लाइफ भी सेव करें और अपनी लाइफ भी सेव करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, भगवान की सेवा में एंगेज होकर के। वरना क्या है, कन्फ्यूज़ होने के लिए पूरा भौतिक संसार बनाया ही भगवान ने, कन्फ्यूज़ होते रहिए, है ना। आज प्रभु जी वो मंदिर में जाके बहुत अच्छा लगता है, वो वाले देवी देवता इच्छा पूरा करते हैं, वो वहाँ पर होता है, वो बाबा जी बहुत अच्छा बोलते हैं, तो जाते रहिए सब जगह, सब्जी मंडी में सब्जी मिल रही है, किसी भी दुकान पर जाके ले लो लेकिन अच्छी ही सब्जी खरीदनी है तो अच्छी दुकान पर आना पड़ेगा, है ना। क्वालिटी प्रोडक्ट, तो क्वालिटी प्रोडक्ट हर जगह नहीं मिलता, क्वालिटी प्रोडक्ट इस्कॉन में मिल रहा है आपको, है ना। और अगर हम यहाँ पर आकर के भक्ति करते हैं वैष्णवों के सानिध्य में रह करके, तो हमारा भगवत धाम जाना निश्चित है, प्रभुपाद जी बोल करके गए हैं भगवत धाम जाना निश्चित है, अगर हम नियमित रूप से साधना करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, भगवान की सेवा में एंगेज रहते हैं, है ना। तो हम सभी लोगों को ऐसा ही करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं भागवतम का श्लोक को क्लोज करता हूँ। तो थोड़ा सा नौका विहार लीला के विषय में चर्चा करते हैं, है ना। तो आज नौका विहार लीला है, फेस्टिवल है, तो उत्सव होते हैं तो भक्त और प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भक्तों को नींद आ रही है अभी, तो शाम को सब कैसे होगा
है ना। तो उत्सव मनाने के लिए क्या होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, है ना। हमें भगवान की सेवा में एंगेज होने के लिए एक्साइटमेंट होना चाहिए। तो कैसे भगवान की सेवा में एंगेज होंगे, तो छोटी सी लीला है ना, एक प्रभु जी के लेक्चर से ही मैंने सुना और 2-3 पॉइंट ड्रॉ किए वहाँ से। तो ये लीला कैसे हुई, भगवान की लीलाएं तो बहुत मधुर हैं, है ना, और भक्त क्या करते हैं, भक्त के भगवान की लीलाओं के साथ एंजॉय करते हैं, है ना, उनको मनाते हैं। स्पेशली इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने बोला है कि भगवान की जो लीलाएं हैं, उत्सव हैं, उनको ज़रूर मनाना चाहिए, है ना। तो भगवान की लीलाएं कैसी हैं, मधुर हैं, अधरम मधुरम नयनम मधुरम, है ना। भगवान की लीलाएं बहुत मधुर हैं, सुंदर हैं। तो आप देखते हैं कैसे जब हम कुछ फेस्टिवल होता है, कैसे भक्त मंदिर में भीड़ भरी होती है, हॉल भी छोटा पड़ जाता है हमारा, है ना, बाहर भी पूरा क्राउड क्राउड हो जाता है, सारे लोग एंजॉय करते हैं भगवान का कीर्तन, भगवान की लीलाएं, सारी एक्टिविटीज़। उसी तरह से सोचिए वृंदावन में कैसे एंजॉय करते होंगे सारे लोग। चलो कृष्ण गाय चराने चलते हैं, है ना। हम लोग जब स्कूल जाते थे तो स्कूल में पहले एक फ्रेंड आता था, वो घर पे आवाज़ लगाता था, बाहर से आवाज़ लगाता था नाम लेकर के, बोलते चलो चलते, तो एक फ्रेंड दूसरा ऐसे करके 10-12 लोग साइकिलें ले लेके एक साथ जाते थे, स्कूल जाते थे। ऐसे सोचिए ग्वाल, जितने ग्वाल बाल हैं वो सारे घर पे आते हैं, चिल्लाते चलो चलो गाय चराने चल रहे हैं। तो घर से निकलते हैं सारे, अपनी अपनी गाय लेकर के, अपना पोटली बांध करके खाने की, और अपने साथ में सारे के सारे चल करके जाते हैं। फिर जब वन में पहुँचते हैं तब एक्चुअल लीलाएँ और स्टार्ट होती हैं, भगवान का सारा श्रृंगार उतार के रख देते हैं, पत्ते फूलों से भगवान का श्रृंगार करते हैं, फिर अपने अपने टिफिन खोलते हैं, है ना, और कृष्ण को खिलाते हैं, कृष्ण बताओ कैसा बना है, ये लो गुजिया, है ना, ये लो आज मैं लड्डू लाया हूँ, आज छाछ ये है, मक्खन है, कैसा मक्खन, बढ़िया है, मीठा है, है ना। तो ये जो लीलाएँ हैं, ये जो ब्रजवासी जो लीलाएँ जो समझते हैं, है ना, इनको हमें समझना चाहिए, इसलिए बहुत स्वीट हैं। प्रभुपाद ने कृष्णा बुक में जो इतनी सारी लीलाएं भगवान की, भागवतम को जब पढ़ेंगे तो श्लोक आता है और तात्पर्य, लेकिन प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक बहुत इजी वे में स्टोरी की फॉर्म में वो सारी लीलाएं लिख करके दी हैं। तो छोटा सा मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। तो जो लीलाएं हैं वो वास्तविकता में गोलोक वृंदावन की लीलाएं हैं, है ना। भगवान जिस धराधाम पर, इस भौम वृंदावन में आते हैं, है ना, यहाँ पर आकर के लीलाएं करते हैं, तो ये नित्य लीलाएं भगवान की चलती रहती हैं। जहाँ जहाँ अलग अलग ब्रह्मांड में भगवान अवतार लेते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, ये नित्य लीलाएं करते हैं, है ना। तो नित्य लीलाएं करने से क्या होता है, वृंदावन में जब आप गोलोक धाम में जाएंगे तो वहाँ पर भी भगवान अपनी ये लीलाएं करेंगे, तो भक्त भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं। और जब हम लीलाएं मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो भगवान का स्मरण बना रहता है, है ना। तो भगवान एक बार श्रीमती राधा रानी सारी गोपियों के साथ में जा रही थी मथुरा, क्या करने, अपने अपने दही हांडी लेकर के सर पर रख करके, कि चलो आज हम अपना जो दूध दही है वो जा करके बेचेंगे, और जो भी कंस का टैक्स होगा बोस को देंगे, कुछ बेनिफिट होगा तो अपना वापस लेकर के आएंगे। तो सारे के सारी गोपियों के साथ में पूरा मटका लेकर के और चलने लगी, और कहाँ पहुँची, यमुना जी के किनारे पहुँची जा करके। तो जब यमुना जी के किनारे पहुँची तो उन्हें देखा, अरे दूर दूर तक कोई नाव नहीं दिख रही है, आज कोई नाव वाला नहीं है, है ना, कोई नाव वाला मुझे नाव से पार करा दे ताकि हम उधर मथुरा चले जाएँ और अपना दूध दही बेच करके आएँ। तो बहुत देर हो गया इंतज़ार करते हुए, तभी अचानक एक नाव आती दिखी और एक नाव पे एक नाव वाला, क्या बोलते हैं नाव वाले को, नाविक, केवट, है ना, आता देखा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो उसको बोला अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ, है ना, वो कहाँ थे, बहुत देर से हम लोग खड़े हुए हैं, चलो हमें उधर उस पार पहुँचा दो। बोले उस पार पहुँचा दो, बोले हाँ, तो उधर जाने का पैसा लगेगा तो बोले पैसा लगेगा तो अभी तो नहीं देंगे पैसा, हम ही दूध दही बेचने जा रहे हैं तो वापस आके पैसा देंगे, उन्हें ऐसा थोड़ी होता है कि हम आके देंगे, नहीं आए तो क्या पता है ना। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हम दे देंगे, कोई बात नहीं, तो हम तुम्हें थोड़ा दूध दही खिला देंगे, है ना, अभी के लिए इतना, वापस आते पे पैसा दे देंगे। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, है ना। तो बिठा लिया, जैसे ही बिठा लिया तभी क्या हुआ, अचानक यमुना जी में ज़ोर ज़ोर की लहरें उठने लगी, और जब ज़ोर ज़ोर से लहरें उठने लगी यमुना जी में, तो उन्होंने कहा कि अरे तुम लोग का वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि तुम इतनी दूध दही की मटकियाँ भर के लाए हो, ये सारा नाव में वजन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो क्या होगा, ये नाव डूब जाएगी, तो सारा जो दूध दही है वो क्या करो, गिरा दो। बोले अरे दूध दही तो हम बेचने ही जा रहे थे, इसको गिरा देंगे तो कैसे होगा इसको लाके तो तुम्हारे पैसे देने। बोले डूब जाओगे तो मुझे तो तैरना आता है, तुम्हारे तैरना नहीं आता, मैं किस किस को बचाऊंगा। तो क्या किया, जैसे भगवान ने बोला, सारी गोपियों ने अपने दूध दही जो था वो सारा फेंक दिया। जैसे फेंक दिया तो कोई बात नहीं, कुछ देर के बाद फिर से नाव जोर से यमुना जी में लहराई, है ना। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने इशारे से जो प्रकृति को कार्य करने को बोलते हैं, क्योंकि सब कुछ क्या है, भगवान के इशारे से कार्य करते हैं, है ना। तो भगवान ने जब देखा कि हाँ ये अभी बैठ गई हैं आराम से, और फिर से यमुना जी में ज़ोर से लहराई, तो बोला अरे तुमने ये जो ज्वेलरी पहन रखी है ना, इसका वजन बहुत ज़्यादा है
है ना, ये गले में इतने मोटे मोटे हार पहने हैं, पैर में पजे पहने हुए, ये सारे ये सब ज्वेलरी को उतार के फेंको वरना अभी नाव डूब जाएगी और मैं किसी को नहीं बचाऊंगा, है ना। तो क्या हुआ, जब उन्होंने ऐसा कहा तो सबने गोपियों ने अपनी सारी ज्वेलरी उतारी और ज्वेलरी उतार करके फेंक दी यमुना जी में फेंक दी। तो उन्होंने कहा अब ठीक है कोई बात नहीं, फिर से नाव चलने लगी। तो सब सारी गोपियां और राधा रानी सोचते हैं ये क्यों ऐसा करा रहा है सारा, हमें फिर जाना है, सारा दही फेंकवा दिया, हमारी ज्वेलरी फेंकवा दी सारा, अब क्या बोल रहे हैं अपने वस्त्र फेंको, वजन बहुत ज़्यादा है। तो राधा रानी समझ गई कि ये कोई और नहीं है, ये कृष्ण है, है ना, ये ऐसे मानने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही राधा रानी कृष्ण के फेस को देखती हैं, कृष्ण राधा रानी के फेस को देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ अपनी चालाकी नहीं चल पाते। तो जैसे ही राधा रानी ने कृष्ण के फेस को देखा, कृष्ण ने राधा रानी के फेस को देखो, तो कृष्ण मुस्कुराने लग गए। और जब कृष्ण मुस्कुराने लग गए तो क्या हुआ, फिर सीधे कृष्ण पकड़े गए और फिर उनको नाव चला करके, तो ये जो बोट फेस्टिवल है, इस तरह से गोपियों ने, जो गोपियां थी उन सब ने म्यूज़िक बजाना स्टार्ट कर दिया, है ना। राधा रानी कृष्ण के पास आकर के बैठ गई और वहीं पर यमुना में वो नौका विहार लीला स्टार्ट हो गई। तो इस तरह से ये जो नौका विहार लीला है वो मनाई जाती है। कि प्रभु जी थोड़ा बता सकते हैं, मैंने कुछ गौरव बताया। तो आज शाम को नौका विहार लीला, आप सभी सादर आमंत्रित हैं विथ फैमिली, और साथ आपको क्या करना है, आना है, प्रसाद भी इधर ही पाना है और कीर्तन में भी पार्टिसिपेट करना है, नाचना है भगवान के लिए, है ना। भगवान तो अपनी लीला करेंगे, लेकिन हमें डांस भी करना है पूरे एक्साइटमेंट के साथ में, है ना। और आप जो सेवा करना चाहें सेवा भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के उत्सव मनाने के लिए बहुत सारी लक्ष्मी की आवश्यकता है, मंदिर बनाने के लिए और ज़्यादा लक्ष्मी की आवश्यकता है, है ना। तो आप सब लोग जो जो सुन रहे हैं, जो जो यहाँ पर उपस्थित हैं, दिल खोल कर मंदिर के लिए दान दीजिए, ताकि जो ऐसी मूवीज़ जब बनाई जा रही हैं जो कि धर्म के प्रचार अधर्म का प्रचार में लगी हुई हैं, है ना, उनको काटा जा सके, ऐसे नास्तिक लोगों को भक्त बनाया जा सके और धर्म का और अधिक प्रचार किया जा सके। बाकी लोग तो अपने धर्म का प्रचार कर ही रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, है ना। हम बस अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, अपने बड़े बड़े घर बना रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, सब कुछ अपने लिए। ये कुछ दिन जब दूसरों का राज्य होगा तो ये सब कहाँ रहेगा आपका, छीन के वो लोग राज्य करेंगे, है ना। और अगले 10-15 साल में ऐसा हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो इसीलिए धर्म की स्थापना कीजिए, धर्म के अनुसार प्रचार कीजिए और दान दीजिए, ताकि बड़े बड़े मंदिर बनाए जा सकें। हर मंदिर में ऐसे 100-100 ब्रह्मचारी हों जो कि जा करके प्रचार करें उस राज्य में, उस देश में, है ना, स्टेट में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यानपूर्वक सुना, और किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी कुछ कमेंट। किसी का कुछ प्रश्न, जिज्ञासा या कोई कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे।